तो दोस्तों, बर्फबारी तो आपने देखी कितनी भयानक हो रही है। तो अब इस टाइम है सवेरे का टाइम, कल रात पर दिन बर्फ थी, दिन भी बर्फ थी, तो सवेरे का टाइम है। और अभी हमारे ने बनाया है नाश्ता अपने लिए, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या नाश्ता बनाया है। तो आप हमारे साथ बना लीजिए। बनाया है चाय, मैं आपको दिखाऊँ। देखिए, ये मेरी कश्मीरी चाय है, नमकीन नमकीनी चाय, नमकीन चाय। और किन्नौर वगैरह में, जैसे राम किन्नौर में, वो होते लक्कड़ चाय, तो इसे नमक डाला जाता है। रहने दे, जूता चल जाएगा बच्चे ने जूते के साथ। और ये हमारी रोटियां हैं, ये मैंने रोटियां बनवाई है और अब हम इसको खाएंगे, इसको इसी में। तो ये जो रोटी है बहुत ही अच्छी होती है, कनक की बनती है, मतलब कनक की रोटी है ये। तो आप ऐसा मत, कुछ लोग समझते हैं कि चावल की होनी है, कुछ नहीं, ये कनक की रोटी है। साइज़ में कुछ बड़ी है पर अच्छी है। मैं आपको ये दिखाऊंगा सामने का व्यू। ये देखिए, कल रात भर भी बर्फबारी हो रही, दिन में तो मैंने आपको दिखाई ही था। ये देखिए जी, पूरा पहाड़ सारे बर्फ। तो मैं अपने घर से दिखा रहा हूँ, मेरे घर पर अभी भी बर्फ टिकी हुई है। ये कौवा फिर से आ गया है, ये आते रहते हैं क्योंकि मैं इनको दाना दूना डालता हूँ। ये आप मैं दिखा सकता हूँ, देखिए, क्योंकि ये देखिए मैंने दाना डाला हुआ है इनको, क्योंकि ज़मीन अक्सर बंद होती है, जो है बंद हो जाती है बर्फ़ के दौरान। तो सबका ख्याल रखना पड़ता है, इंसान है, इंसान को सबसे ज़्यादा समझ दी है ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर इस वीडियोस को एंड करता हूं मैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं, मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा बोर हो जाते फिर। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं, इसी के इनके साथ आप मेरी वीडियोस को पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे माई चैनल को। उससे क्या होगा, जब भी नई वीडियोज़ बनाएंगे आप तक तुरंत पहुँचेगी। इतनी ठंड है, हवा निकलती है। ओके भाई।